अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और एलटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पूल्स के बारे में जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये पूल्स अब तक के बनाए गए सबसे अनोखे पूल हैं। इनमें अक्सर पाए जाने वाले वाटर पूल्स बहुत ज्यादा महंगे और लग्जरी हैं, यानी यहाँ पर नहाने के लिए आपको अच्छी खासी रकम अदा करना होगी। ये तमाम के तमाम बहुत हैरत अंगेज हैं क्योंकि इन्हें बहुत खूबसूरती और नफासत के साथ बनाया गया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट स्क्वायर टावर पूल के बारे में। ये वाटर पूल अब तक का बनाया गया बहुत शानदार और हैरत अंगेज पूल है। ये इमारत के सबसे ऊंचे वाले हिस्से में बनाया गया है। ये एक इमारत में मौजूद है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 510 फीट तक है। ये कमजोर दिल के अफराद के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे नहाते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। अगर आप इस पूल का दूर से नजारा करेंगे तो ये आपको बहुत शानदार लगेगा। कहा जाता है कि ये पूल महंगे तरीन होटल में मौजूद है। अब हम बात करेंगे एक्वेरियम पूल के बारे में। इस पूल को बनाने वाले शख्स का दावा है कि उसने ये बहुत खूबसूरत बनाया है। ये पूल एक्वेरियम तर्ज पर बनाया गया है और दोनों तरफ से ग्लास का है, यानी दोनों तरफ से इसके अंदर शीशा इस्तेमाल किया गया है। जो शख्स भी यहाँ पर नहाने के लिए जाता है वो नहाने के साथ साथ खूबसूरत नज़ारों का मजा भी लेता है। इसके अलावा आप नहाने के साथ साथ बेडरूम्स का नज़ारा भी देख सकते हैं, और जब आप एक्वेरियम में बैठे होंगे तो यहाँ से आप नहाते हुए लोगों का नजारा ले सकते हैं। ये पूल बहुत खूबसूरत है और समंदर के किनारे बनाया गया है। अब हम बात करेंगे नेमो पूल 33 के बारे में। ये पूल बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में वाके है। ये पूल अब तक का दुनिया का सबसे गहरा पूल है। इसमें नहाते हुए आप अच्छा खासा खौफ महसूस करेंगे। इसी वजह से इसका नाम वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस पूल का पानी साफ शफाफ है और इसकी गहराई तकरीबन 110 फीट तक है। इस पूल के पानी को साफ रखने के लिए 87 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। इस पूल के गहराई में जाने के लिए आपको ऑक्सीजन किट भी दी जाती है। इस पूल के गहराई में एक शानदार कार भी रखी गई है। ये पूल वाकई बहुत गहरा है। अब हम बात करेंगे सैन अफ्लोंसो डेल मार पूल के बारे में। ये पूल दुनिया के सबसे बड़े समुद्र पैसिफिक ओशन के किनारे पर बनाया गया है। ये पूल चिली में बनाया गया है और ये अपनी नौयत का सबसे खूबसूरत पूल है। इस पूल की कुल लंबाई तकरीबन 1113 मीटर है, यानी 3324 फीट के रकबे पर फैला हुआ है। इसमें तकरीबन 250 मिलियन लीटर पानी मौजूद है। इस पानी को मेंटेन रखने के लिए तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। अब हम बात करेंगे द केज ऑफ डेथ के बारे में। ये वाटर पूल दुनिया का सबसे खतरनाक पूल है क्योंकि इस पूल में तकरीबन 200 के करीब खतरनाक मगरमच्छ छोड़े गए हैं। इस ग्लास के केज में तकरीबन 2 से 3 आदमियों को खड़ा करके पानी में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आपको पानी में उतारकर मगरमच्छों के करीब कर दिया जाता है। इसके बाद आप इंतहाई खतरनाक मगरमच्छों के बिल्कुल करीब हो जाते हैं। बेशक तमाम हिफाजती इकदाम पहले ही कर लिए जाते हैं, लेकिन ये काम अच्छे अच्छे की चीखें निकलवा सकता है। इसमें आदमी को और भी डराने के लिए गोश्त के टुकड़े फेंके जाते हैं। ये पूल वाकई बहुत खतरनाक पूल है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक करें ताकि आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। इस वीडियो के बारे में अब तक कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नए आने दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।